हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका मीटर सेतु। क्या होता है मीटर सेतु, रचना क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है, क्रिया विधि क्या होती है, फिगर कैसा होता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीटर सेतु को इंग्लिश में कहते हैं मीटर ब्रिज। तो सिद्धांत की बात करें तो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। फॉर्मूला जिसका होता है P/Q = R/S। पिछले वीडियो में हमने व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें इसके फिगर की, तो इसमें क्या है, दो एल आकार की एक आई आकार की तांबे की पत्तियां लगी हुई है। एल आकार की मुड़ी हुई पत्तियां हैं, आई आकार की एकदम सीधी पत्ती है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, लगाएंगे पेच। पेच से हमने क्या कस दिया है, 1 मीटर लंबा तार कस दिया है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100 सेंटीमीटर होते, क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक, तो भाई इसमें दो एल आकार की एक आई आकार की लगी हैं, तो इसमें दोनों एल आकार वाले में हम पेंच से क्या करेंगे, पेंच से हम इसमें नीचे क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। सेल का विद्युत वाहक बल ई होता है, धारा नियंत्रक जो कि क्या करेगा, धारा को कंट्रोल करेगा। और एक कुंजी लगाते हैं, घर पे जैसा नॉर्मल स्विच बोर्ड होता है ना, जिसको ऑन करके हम क्या करते हैं, लाइट या पंखा चला सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कुंजी लगी है और धारा नियंत्रक जो कि धारा को कंट्रोल करेगा। और सेल का काम क्या होता है, विद्युत वाहक बल इस परिपथ को प्रदान करेगा। ठीक, तो ये बात हो गई नीचे नीचे क्या कुछ लगा हुआ है। अब बात करें, दो एल आकार की नली थी, तो एक एल आकार की एक आई आकार में हम क्या लगा देंगे, ऊपर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। अब प्रतिरोध बॉक्स का क्या काम होता है, प्रतिरोध बॉक्स में भरे होते हैं प्रतिरोध, जैसे कि कुंजी भरी होती है, तो जैसे एक ओम की, 2 ओम की, 4 ओम की, 5 ओम की, 10 ओम की, ऐसी कुंजियां भरी होती है। जितना हमें परिपथ में प्रतिरोध देना होता है, हम उस कुंजी को निकाल लेते हैं और परिपथ में क्या करते हैं, प्रतिरोध आरोपित करते हैं। इस प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो R है। अन्य एक प्रतिरोध लगाया है I से L तक की, जिसका प्रतिरोध क्या है, S। चूंकि ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, P/Q = R/S। तो दो प्रतिरोध तो हमें पता चल गया, एक प्रतिरोध बॉक्स का जिसका प्रतिरोध R है, एक अन्य प्रतिरोध का जिसका प्रतिरोध S है। तो पी और क्यू हमें ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1 मीटर लंबा तार है। ठीक, ए से बी तक की दूरी क्या है, L है। ए से बी तक की दूरी क्या है, L है। ठीक है, यहाँ पे हमने आई वाली प्लेट पे हमने क्या लगाया है, पहले इसको जान लेते हैं। आई वाली प्लेट पे हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, तो हम जैसे ही सेल से विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे, परिपथ में धारा बहेगी। धारा बहेगी तो धारा को हम धारा नियंत्रक से कंट्रोल करेंगे। ये काम कब होगा, जब कुंजी को हम ऑन करेंगे। ठीक, और जितना हमें प्रतिरोध देना होगा प्रतिरोध बॉक्स से, वही कुंजी हम निकाल लेंगे। जैसे 5 ओम का देना है तो 5 ओम की कुंजी निकाल लेंगे। एक अन्य प्रतिरोध भी इसमें काम कर रहा है, उसका भी काम होगा। तो गैल्वेनोमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, इस तार के ऊपर लगा होता है एक पैमाना। गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते हैं, जब इसमें खिसकाते हैं पैमाने पर, भाई जैसे हमने 1 पर रखा तब मान ज्ञात करेंगे, पाठ्यांक 2 पे रखा तब पाठ्यांक ज्ञात करेंगे, 3 पे रखा तो पाठ्यांक ज्ञात करेंगे। अब गैल्वेनोमीटर पे लगा है एक संट। संट क्या काम करता है, प्रतिरोध को कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब ना हो जाए। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, गैल्वेनोमीटर को हम फिसलाते हैं और क्या काम करते हैं, कुंजी को ऑन ऑफ करके पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई, तो चलिए फिर से समझते हैं। कुंजी को हमने ऑन किया, सेल से हमने विद्युत वाहक बल आरोपित किया, परिपथ में धारा बही तो धारा नियंत्रक से हमने क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल ई है, धारा नियंत्रक से धारा कंट्रोल की और कुंजी को हमने ऑन कर दी। ठीक, ये बात हो गई नीचे वाले फिगर की। अब आते हैं ऊपर, जब धारा बह रही है तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध चाहिए होगा, तो हम प्रतिरोध कहाँ से देंगे, प्रतिरोध बॉक्स से। जितना प्रतिरोध देना होगा उस कुंजी को हम बाहर निकाल लेंगे। चूंकि तार कितने मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है, तो ए से बी तक की लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, तो जितना हमें प्रतिरोध, मान लीजिए 5 ओम प्रतिरोध देना है, तो 5 ओम की हम कुंजी निकाल लेंगे और इस प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर है। ठीक, परिपथ में धारा आपकी आई बह रही, जब विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे तो परिपथ में आई धारा बहेगी। ठीक, प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर है, और जो अन्य प्रतिरोध हमने लगाया है वो एस है। ठीक, तो हमें पी और क्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं आप भाई, ये जो आपका तार है वो कितना है, 1 मीटर लंबा है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और जो हम क्या काम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। तो बिंदु बी पर मान लीजिए हमने पाठ्यांक ज्ञात किया, तो बिंदु बी ए से बी तक की लंबाई क्या है, एल है।
तो हम आगे की लंबाई कैसे निकाल पाएंगे बी से सी तक की? बी से सी तक की लंबाई क्या करेंगे, हम बड़ी वाली लंबाई में से छोटी वाली लंबाई को घटा देंगे। अब छोटी वाली लंबाई क्या है, चूंकि तार 1 मीटर लंबा है, छोटी वाली लंबाई आपकी एल है, तो जो जितना मीटर लंबा तार है उसमें क्या करेंगे, छोटी वाली लंबाई को घटा देंगे, तो बाकी बी से सी तक की लंबाई क्या है आ जाएगी। चूंकि तार कितना है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो 100 - L कर देंगे। ठीक, तो रचना देख लेते हैं पहले इसकी। माना तार की प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो एक्स है, 1 मीटर लंबा तार है तो इसका जो प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। पूरे तार का जो प्रतिरोध है, माना पूरे तार का प्रतिरोध क्या है, x है। चूंकि भाई व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है, r और s प्रतिरोध हमें पता है, PQ निकालना है, तो पूरे जो तार है 1 मीटर लंबा a से c तक का, तो उसका प्रतिरोध हमने x मान लिया है। ठीक, तो अब ए से बी तक की लंबाई, ए से बी तक की लंबाई एल हमें पता है, और बी से सी तक की लंबाई क्या है, 100 - L, वही रचना में हमने लिखा हुआ है, ताकि ए से बी तक की दूरी एल, बी से सी तक की क्या है, 100 - L। कैसे निकाला था हमने, 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 में से एल को घटा देंगे तो आ जाएगी लंबाई बी से सी तक की। ठीक है, अब आगे बात आती है रचना की, अब आगे देखते हैं हम इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध भाई पूरे पूरे तार का प्रतिरोध क्या है, एक हमने माना हुआ है ए से सी तक का, तो हमें क्या करना है, प्रतिरोध पी, ए से बी तक का प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं, पी, किस सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, क्यों, चूंकि और एस प्रतिरोध हमें पता है, ए से बी तक का प्रतिरोध हमने पी है मान लिया, और बी से सी का क्या मान लिया, क्यों मान लिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, तो भाई पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, पी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, चूंकि ए की ए बी कितना है, ए बी की लंबाई कितनी है, एल है, और तार की प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध हमने माना है, पूरे तार की जो लंबाई है 1 मीटर, उसका जो प्रतिरोध हमने माना है वो क्या माना है, एक्स माना है, तो पूरे तार का जो प्रतिरोध है और उस ये जो लंबाई उनका करा देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा, एल और एक्स, क्या हो जाएगा, एल और एक्स, चूँकि पूरा पूरे तार का ए से सी तक का प्रतिरोध क्या है, एक्स है। ठीक है, R बराबर कितना है प्रतिरोध, X हमने माना हुआ है, तो L X हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब Q प्रतिरोध निकाल लेते जो कि B से C तक का है, तो Q प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, BC के हो जाएगा, BC और BC की दूरी हमने निकाली हुई है, 1 मीटर जो लंबा तार था उससे हमने L लंबाई को घटा दिया, 100 - L हो गई। ठीक है, इसमें भी X का गुणा हो जाएगा, चूँकि पूरे तार का प्रतिरोध क्या हमने माना है, X माना है। ठीक है, तो ये हमने P और Q के मान निकाल लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु का, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ पे क्या करा देंगे हम, P में Q का भाग दे देंगे, मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, L अपॉन X अपॉन क्या हो जाएगा, 100 - L, किसके बराबर कर देंगे भाई, P अपॉन Q का मान है, ये किसका मान है, P अपॉन Q का मान है, पी अपॉन क्यू का मान है, एल एक्स अपॉन 100 - L, तो हम क्या करेंगे, किसके इक्वल कर देंगे, आर अपॉन एस के, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, किसका फॉर्मूला होता है, व्हीटस्टोन सेतु का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एस का गुणा एल एक्स में करा देंगे और आर का 100 - L में करा देंगे, चलिए गुणा करा लेते हैं, तो देख सकते हैं अब गुणा हमने करा लिया है, यहाँ से हम S को एक ही साइड रहने देंगे और Lx को कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में, तो R 100 - L अपॉन में Lx। ठीक है, तो ये मीटर सेतु का फॉर्मूला निकल के आ चुका है, तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी समझ में आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।